हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कोडिंग करी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एसवीजी बनाया जाता है, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे हम एसवीजी क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा था कि एसवीजी के बारे में हमें बताइए, एसवीजी कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये जो वीडियो है एक स्पेशल रिकमेंडेड वीडियो है आपके लिए। तो उसके लिए एसवीजी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमारे पास हम सभी जानते हैं कि जो एडोब का हमारे पास इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है उससे एसवीजी बनाई जाती है। पर यहाँ पर मैं आपको एक नई अपडेट जो है वो जो नई चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ वो ये है कि हम जो एसवीजी है वो फोटोशॉप के थ्रू भी मतलब फोटोशॉप में भी उसका डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फोटोशॉप के से ही क्रिएट करना सीखेंगे। बिकॉज हम में से जो डिज़ाइनर्स हैं उसमें से 80% जो जनता है ना वो फोटोशॉप में ज़्यादा फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर। तो कई बार हमारे सामने ये चैलेंज आ जाता है कि हमें जो एसवीजी बनानी है वो बनाना तो हम चाहते हैं अपने खुद से, बट हम क्योंकि इलस्ट्रेटर में इतना फ्रेंडली नहीं होते हैं तो वो एक दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैं जो नई चीज़ आपको ये बता रही हूँ कि हम जो एसवीजी अगर हमें क्रिएट करनी है तो फोटोशॉप से भी कैसे क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है। मैं एक नई जो फाइल है वो 1000x1000 की ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमें आप जैसी भी एसवीजी जिस डिज़ाइन की बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, एक कस्टम जो टूल है वो मैं ले रही हूँ। यहाँ से मैंने बटरफ्लाई का एक आइकन देखिए ले रहा है, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ सिंपली। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया और इसको कुछ कलर दे देते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा येलो स्टोन में ये कलर दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल ये कलर जो भी आपने इसमें फॉर्मेटिंग करनी है वो कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको जैसे हम सिंपल सेव एज़ करते हैं ना, सेव एज़ कीजिए और यहाँ पर ऑप्शन में आपको PSD या JPG जैसे हम चूज़ करते हैं वैसी एक ऑप्शन आता है फ़ोटोशॉप EPS। ठीक है, तो EPS आपको चूज़ करना है और यहाँ पर मैं उस जो फाइल है उसका नाम हम बटरफ्लाई रख देते हैं। हमारी butterfly.eps जो है वो रेडी हो चुकी है। लास्ट में ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो ये मेरी जो बटरफ्लाई है ये EPS रेडी हो चुकी है। बट हमको तो SVG क्रिएट करनी थी। SVG फ्रेंड्स जो होती है वो इलस्ट्रेटर में ही क्रिएट होती है, बट उसका डिज़ाइन हम EPS के थ्रू जो फोटोशॉप के थ्रू EPS में फॉर्मेट में कर सकते हैं। जो अब EPS होती है ना हमारी फ्रेंड्स, वो हमारी इलस्ट्रेटर में ईजिली ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने जो हमारी EPS थी ये बना ली है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ओके। ठीक है, ये हमारी हो गई। और चलिए अब आप इसको थोड़ा सा, अगर थोड़ा साइज़ ओवर हो रहा है तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। ये हम आप चाहें इसमें कोई फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो कर दीजिए, अदरवाइज़ आप क्या कीजिए, सिंपल ये आपको डन होगी आपकी फॉर्मेटिंग। उसके बाद इसमें आपको जाना है इसके फाइल में और सेव एज़ आपको करना है। यहाँ से सेव एज़ करने के बाद यहाँ पर आपको जो सेव एज़ टाइप है उसमें जो ऑप्शन आपको चूज़ करना है SVG चूज़ करना है। SVG चूज़ करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए और यहाँ पर एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको सिंपली ओके कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो SVG है ये देखिए butterfly.svg आपका रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसको अपने ब्राउज़र में आपको ओपन करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारा जो SVG है वो रेडी हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं SVG एक स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक है, तो हम इसको जितना भी जूम करेंगे ना तो उससे आप कुछ भी इसका, ये देखिए ये मैंने जूम कर दिया है देखिए, बट फिर भी ये बिल्कुल भी डिसॉर्ट नहीं हुई है, इसके जो एजेस हैं वो अभी भी शार्प हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी हमें SVG में मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर इमेजेस। ठीक है, ये तो एक वे हुआ, हमने फ़ोटोशॉप के थ्रू EPS क्रिएट किया, देन उसको सेव एज़ किया SVG इलस्ट्रेटर में। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, अगर हमें डायरेक्ट जो है वो इलस्ट्रेटर में कोई एसवीजी बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करें, एक नया पेज मैंने क्रिएट कर लिया है इसमें कंट्रोल एन से सिंपल। उसके बाद आपको अगर कोई एसवीजी क्रिएट करनी है तो कोई भी आप पेन टूल से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक शेप ले रही हूँ सिंपल, आप इसको ऐसे जितना चाहें वो क्रिएट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कलर जो है ये देखिए, ये दो कलर हैं हमारे पास, ये फर्स्ट वाला है, ये फिल कलर है और ये है आपका आउटलाइन कलर, ठीक है। तो हमें फिल कलर चाहिए तो मैं इस पर डबल क्लिक करके ये मैंने ले लिया है, ये देखिए, ठीक है। और अगर आपको इसका जो आउटलाइन है वो हटाना है तो आप इसको, ये जो लास्ट है नन, इस पर क्लिक कीजिए तो इसका आउटलाइन हट जाएगा। ये आपने कुछ भी अगर आपने कस्टम शेप बनानी है पेन टूल के थ्रू वो भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको इतना ही रहने दिया और आप सिंपल इसको फिर से आप सेव एज करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट एसवीजी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंस इतना है कि इलस्ट्रेटर में आप डायरेक्ट एसवीजी क्रिएट करेंगे और जो हमारा फोटोशॉप है उसमें आपको पहले ईपीएस क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपका जो है वो ईपीएस आपका ओपन होगा इलस्ट्रेटर में, देन आप उसको सेव एज एसवीजी करेंगे। तो चलिए ये भी हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये भी हमारी जो है वो एसवीजी बन गई है। तो देखिए दोनों वे से सेम आपको क्वालिटी नज़र आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये दो वे हमने आज सीखे, फोटोशॉप के थ्रू और ये इलस्ट्रेटर के थ्रू, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स, ये जो आपकी बहुत समय से जो क्वेरी थी, आप हमें कमेंट करके बोल रहे थे कि एसवीजी क्रिएट करना बताइए, तो मैंने उस पर ये स्पेशल वीडियो बनाई है, दोनों वे से आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बहुत ईजी है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को अपने मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।